हाय फ्रेंड्स, नीलम 224 चैनल में आप सबका वेलकम। दोस्तों, और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं देखिए गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, मैंने गाजर को कस लिया है। कसने के बाद उसको घी डाल के भाप मतलब पका लिया है। ठीक है, अब देखिए, ये देखो, और चीनी डाल के इसको मिक्स करूंगी। चीनी डाल के मिक्स कर लूंगी और अरे फैला जा रहा है कुछ नहीं। तो और दोस्तों बताइए, आप सब लोग क्या कर रहे हो? तो गाजर का हलवा बना रही हूँ। ये देखो, ये देखो मिक्स हो गया। और दोस्तों, ये देखो खोया है, इसको अब इसको मिक्स करूंगी। को तोड़ लूंगी, बहुत टाइट है। और दोस्तों, आप लोगों का खाना हो गया नाश्ता? मेरा तो नाश्ता हो गया भाई, खाना नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया। आज सुबह पकौड़ी बनाई थी, चाय पकौड़ी, तो खाना नहीं खाया, भूख ही नहीं लगी। यश बाबू को बंधा बनाया, आलू बंधा, आज तो कह रहे हम खाएंगे ही नहीं खाना। अब इनके लिए सर्दी है, मैं अब इतनी सर्दी है कि अब हम चार चार मील का नहीं बनाएंगे। जिसको खाना हो खाए, ना खाना हो ना खाए। गर्मियों में तो ठीक रहता है, बना दो एक एक दो दो आइटम। सर्दियों में जितना आइटम बताऊं उतने बर्तन होते हैं, धुलो बार बार उनको। इसको तोड़ लेंगे छोटा छोटा करके, जब बिल्कुल ये पक जाएगा, गोल चाशनी आ जाएगी, चिपकने लगेगा ऐसे ऐसे करके, तब बस खोया मिला देंगे। जिसको जिसको खाना हो कमेंट में बताना, और जिसको खाना हो आइए खाइए आप। प्लीज दोस्तों सपोर्ट करिए, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप लोग अब बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते हो। ठंडी है लेकिन हलवा असल में पता है, मन था हलवा बनाने का, खाने का, बनाने का भी मन था।
तभी हमने सोचा क्यों ना बना लेते हैं। सर्दी तो बने ही रहेगी और सीजन निकल जाएगा, कई कोई गाजर तो ठंडियों में ही आती हैं। ये देखिए दोस्तों, अब देखो चीनी बिल्कुल मिक्स हो गई है और चिपकने लगा है। अभी पूरी तरह नहीं, थोड़ी देर अभी और पकाएंगे इसको, फिर खोया मिक्स करेंगे, क्योंकि खोया का थोड़ी पकाया जाता है, खोया तो पका ही है, बस उसमें स्वाद आने के लिए डाला जाता है। देखिए दोस्तों, अब पानी बिल्कुल नहीं रह गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। अब इसमें मैं खोया डालूंगी। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैंने चीनी और पहले डाल दी थी वीडियो मतलब बनाने के पहले, तो आप जितना मीठा खाते हो आप उसके हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है ना। अब मैं खोया मिक्स कर दूंगी। ये देखिए दोस्तों, मिक्स हो गया पूरा, हमने मिक्स कर दिया और इतना हमने खोया बचा लिया था, ऊपर से फिरा लेंगे, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ही मिला देंगे थोड़ा थोड़ा। अब हमने गैस को बंद कर दिया। तो दोस्तों देखिए, मेरा हलवा बनके रेडी हो गया, ये देखिए है। अब आप लोग आइए, जिसको जिसको खाना है खाइए आके। ये देखो धुआं निकल रहा, बिल्कुल ताजा गरम गरम है, खा के बताऊं कैसा है आप लोगों को, गरम बहुत। तो ठीक है दोस्तों, मेरा ब्लॉग यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। तब के लिए बाय।